देखिए नाश्ता करना जो है ना बहुत जरूरी होता है, तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो भाई सबसे पहले तो सबको बहुत 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 ज्यादा ईद मुबारक। होपफुली आप सबकी ईद बहुत ज्यादा अच्छी गई होगी और आप दोनों मजे किए होंगे और सबने बहुत ईदी कमाई होगी, क्योंकि मैंने नहीं कमाई। पहले मैं एक ईद पे व्लॉग बनाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ईद पे मैं कुछ किया ही नहीं है। मतलब ईद पे मेरी ईद पिछले 2 साल से पता नहीं ईद भी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। अच्छा चलो शेर कोरमा मिल जाता है, वरना तो भाई क्या है, ये ईद ही नहीं है मेरी तो मेरे ख्याल से। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो फिर एक काम करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर मैं ये बताऊं कि ईद जो है बाहर के मुल्कों में कैसे गुजारी जाती है और कितना फर्क लगता है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं ये बातें कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि ये जितनी भी मैं बातें करूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे रख के करूंगा और मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा। बस ये कह रहा हूँ कि हो सकता है दूसरे लोगों की ईद दूसरे तरीके से गई हो, मेरी ईद दूसरे तरीके से गई है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान में सबसे लज बात यह है कि आपको छुट्टियां मिलती हैं ईद की, है ना। और अगर कोई सपोज करें वेंसडे को ईद है तो भाई पूरा लंबा वीकेंड आ रहा है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और फिर सैटरडे संडे भी 5 दिन की छुट्टी आ, बहुत ही लज सीन होता है ना। यहाँ पे छुट्टियां नहीं, समझ सकते हो हमारा दर्द, छुट्टियां नहीं है ईद पे, ईद के दिन छुट्टियां नहीं है। यार थोड़ा तो तरस खाओ उन पे, यार ये कैसा मजाक हो रहा है यार, ये बिक गई गवर्नमेंट, सही कह रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बिक गई है। खैर छुट्टी नहीं है तो अगर आप यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आपको काम पे जाना है तो काम पे जाना है। अच्छी बात यह कि मेरी यूनिवर्सिटी बंद है क्योंकि मेरी सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, लेकिन काम पे जाना तो जरूरी है भाई, क्योंकि काम पे नहीं जाएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यार दिन स्टार्ट ऐसी हुआ था कि जब मैं खुतबे की नमाज के बाद वापस कमरे में आया तो मैं जो हूँ सोने के बजाय मैंने कपड़े चेंज किए और मैं सीधा काम पे निकल गया। काम पे जाना इतना बुरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा पूरा दिन निकल गया, इसी तरह टाइम पास हो गया। और ये पॉइंट मैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ लीड कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे किससे मिलने जाएं, यहाँ पे तो रिश्तेदारी नहीं है, हम लोग ईद किससे मिलने जाएं। ईद की सबसे लज बात ये होती है कि आप जो है दूसरों के घर जाते हैं, दूसरे आपके घर आते हैं, आप नए नए कपड़े पहनते हैं और फिर एक दूसरे के घर खाना खाने जाते हैं और रौनक ही अलग होती है। यहाँ पे तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, किससे मिलने जाएं भाई, हम लोग क्या करें हम लोग। उसके बाद मेरे दोस्तों का जो इतना बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि यार ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, डॉलर्स में कमाइए भाई, डॉलर्स में ईदी होगी भाई, डॉलर्स में ईदी। अबे घंटा डॉलर्स में ईदी, 2 साल में एक बार ईदी मिली है, 2 साल में एक बार ईदी, सोच सकते हो, 2 साल में एक बार, और वो भी सिर्फ अब्बू की तरफ से, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। इसलिए तो पाकिस्तान में ईद इतनी लश लगती है कि पूरे साल की कमाई उसी टाइम पे तो करनी होती है, फिर आए ना आए किसको पता, लेकिन इस टाइम पे तो गारंटीड हमारा पे चेक बन के आता है। लेकिन यहाँ पे क्या करें भाई, लाइफ। मैं घर वापस आया तो मेरे अब्बू ने बताया कि हम लोग किसी फैमिली फ्रेंड्स के पास कहीं जा रहे हैं ईद मिलने, तो मैं कहा चलो शुक्र कहीं तो जा रहे हैं, मतलब कोई तो है जिसके पास हम जा सकते हैं मिलने। वहाँ गए, वहाँ पे हुआ अच्छी बैठक लगी, लेकिन फिर जब ईदी मिलने की बारी आई तो भाई मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ अब तो ना, आधे लोगों ने ईदी नहीं दी, आधे लोगों ने, सोच सकते हो क्या गुजरी होगी मेरे दिल में, आधे लोगों ने। बस यार सैड लाइफ हो गई है बहुत मेरी, और बस एक एक जो जो लाइक करेगा इस वीडियो को वो मेरी ईदी होगी मेरे ख्याल से। अब हर लाइक पे YouTube मुझे $10 ईदी देगा। तो ये अच्छी बात है कि मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, तो यार शीर कुरमा तो मेरे नसीब में हो गया, वरना ये ईद पे तो शीर कुरमा भी नहीं मिलता अगर मैं अकेला कहीं रह रहा होता। और इस बात से मुझे याद आया कि यार जितने भी अभी स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं या किसी भी जगह पे हैं जिन्होंने ईद इस बार अकेले मनाई और फैमिली से दूर रह के ईद मनाई, मतलब मुझे पता है तुम लोगों के लिए बहुत हार्ड होगा और बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन यार ये याद रखो कि ही हैज़ better plans for you, और तुम लोग बस अपनी जो काम कर रहे हो जिस तरह से मेहनत कर रहे हो वो करते रहो, गिव अप नहीं करना और डिसहार्टन नहीं होना इस बात से, क्योंकि ये जो तुम मेहनत करोगे
ये ज़ाया नहीं होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी इस मेहनत की वजह से तुम्हारे घर वाले बहुत प्राउड होंगे तुमसे, तो बस लगे रहो, टेंशन नहीं लो और बस हो जाएगा, चिल करो। कहना आसान है, करना मुश्किल है बस। एनीवे मुझे पता है ये कोई ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं था, मैं कहीं नहीं गया, घर पे बैठ के बात की, लेकिन मेरे पास कहीं आज जाने का नहीं था और मुझे एक फ्री दिन मिल गया और मुझे ये बात बस करनी थी। तो Hopefully you guys like the video. So agar pasand aaye to like kar do. Let me know in the comments about your Eid. How was your Eid? And I'll see you guys in the next video.